नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रॉक पहाट पे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ग्रीन आरो के P12 प्रोफेशनल माइक्रोफोन और डिजिटेक के प्रोफेशनल माइक्रोफोन का। इनके प्राइस की बात करें तो ग्रीन आरो P12 का प्राइस है 4999 और डिजिटेक के वायरलेस माइक्रोफोन का प्राइस है 2999। आइए फ्रेंड्स, इनकी जानते हैं इनमें क्या क्या खासियत है। एक बात मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, एक अच्छी और इंगेजिंग वीडियो के लिए माइक्रोफोन और वीडियोग्राफी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स चलते हैं, पहले इनकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि हमें इनमें क्या क्या कंटेंट मिल जाएगा। मैं इस वीडियो को आउटडोर शूट कर रहा हूं, जिसलिए आपको कुछ अंदाजा मिल सके कि किस तरह की आपको वॉइस मिल जाएगी इन माइक्रोफोन्स में। चलिए पहले अनबॉक्सिंग करके देखते हैं ग्रीन आरो प्रोफेशनल माइक्रोफोन की। इसका काफी अच्छा सा एक्सपीरियंस है बॉक्स का। ग्रीन आरो में ऑडियो मॉनिटर करने के लिए हमें ये ईयरफोन दे रखा है, और अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्सेसरीज दे रखी है इन्होंने। एक ये कैमरा में कनेक्ट करने के लिए हमें ये केबल दे रखी है, इससे हम इसको 14G के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं आईफोन्स के लिए कनेक्टर। और ये C2C केबल दे रखी है, जिससे हम इसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं सी केबल के द्वारा। ये दूसरी इसमें एक्स्ट्रा ईयरफोन दे रखा है ऑडियो मॉनिटर करने के लिए, और ये सेम कैमरा में कनेक्ट करने के लिए हमें केबल दे रखी है। इनको चार्ज करने के लिए Type-C to Type-A केबल दे रखी है, और दोनों माइक्रोफोन को हम एक साथ चार्ज कर सकते हैं, जिसमें डबल कनेक्टर दे रखी है। ये काफ़ी अच्छा सा कैरी केस दे रखा है, जिसमें हम इसको कहीं भी बाहर ले जा सकते हैं। जो बॉक्स है, काफ़ी बॉक्सिस डिज़ाइन है इसका। इसमें देखते हैं क्या क्या मिल जाएगा हमें। के बॉक्स में दो ट्रांसमीटर मिल जाएंगे, एक रिसीवर मिल जाएगा, और यहाँ पे ये डिस्प्ले शो करता है कि कितना चार्जिंग है केस में। रिसीवर में एक डिस्प्ले दी गई है, जिसमें दोनों ट्रांसमीटर की बैटरी शो करती है, और रिसीवर की बैटरी पता चल जाता है हमें, और ब्लूटूथ कनेक्शन का ऑप्शन भी इसी में दिया गया है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन दी गई है ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए, ये ब्लूटूथ बटन दी गई है, और ये माइक को बंद करने के लिए बटन दी गई है, और ऊपर बात करें तो ऑन ऑफ बटन दी है, और यहाँ पे साइड में एक वॉइस मॉनिटरिंग के लिए हेडफोन के लिए जैक दिया हुआ है, और चार्जिंग के लिए यहाँ पे USB। यहाँ से हम इसको सी टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। एंड ऑफ दे रखे हैं बॉक्स में, और एक ही वारंटी कार्ड दे रखा है, और कुछ ये डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं इसमें कनेक्ट करने के बारे में बताया गया है। ये कुछ ये था ग्रीन आरो का अनबॉक्सिंग। काफ़ी एक्सेसरीज दे रखी थी हमें इस बॉक्स में, और ये काफ़ी मोटे सा बॉक्स है, जो रोड वगैरह का आता है उस प्रकार का बॉक्स है ये। अब बात करते हैं इनको साइड में रख के हम डिजिटेक वायरलेस माइक्रोफोन करते हैं, जिसका मॉडल नंबर है DW105। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मिल जाता है हमें। इसमें देखते हैं क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। इसमें एक सेम कैरी केस दे रखा है, जिससे हम इसको ईयरफोन को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। और ये है इसका बॉक्स, जो काफ़ी अच्छा लगा है, बिल्कुल स्लिक सा बॉक्स है, ग्रीन आरो का काफ़ी बड़ा था, और इसमें मैट फिनिश दे रखी है दोनों में, और एक इसमें आईफोन्स के लिए कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं। इसमें तो कुछ इतना खास नहीं दिया गया है, जैसे जितनी सारी एक्सेसरीज उसमें दे रखी थी ग्रीन आरो वायरलेस माइक्रोफोन। इसमें हमें दो ट्रांसमीटर दे रखे हैं, और ट्रांसमीटरों पर ही इनके चार्जिंग शो होती है कि कितना चार्जिंग है ट्रांसमीटर में। और वहीं बात करें तो ये है रिसीवर, जिसे हम अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये लाइट इसकी ब्लिंक करने लगेगी, ग्रीन 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 रेड, और जब ये सक्सेसफुल कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये दोनों लाइट ग्रीन रहने लग जाएंगी। काफ़ी अच्छा सा प्रीमियम बॉक्स लगा मुझे तो इसका डिजिटेक का। यहाँ पे इससे पता चल जाएगा कि ट्रांसमीटर चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। ये था कुछ इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। गाइस, जो आपको मेरी वॉइस आ रही है, ये आ रही है डिजिटेक के वायरलेस 105 DWM माइक्रोफोन पे, और हम इस वीडियो को इंडस्ट्रियल एरिया में शूट कर रहे हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसका लाउड स्पीकर चल रहा है, और बात करें तो इसके नॉइस कैंसलेशन फीचर की, काफी अच्छी नॉइस रिडक्शन की है इसने, क्योंकि इसमें लाउड स्पीकर की आवाज नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, ये आ रही है ग्रीन आरो के P12 प्रोफेशनल माइक्रोफोन से, और हमने इसका नॉइस रिडक्शन फीचर ऑन कर रखा है। कुछ इस तरह की आपको साउंड मिल जाएगी जब इसका नॉइस रिडक्शन फीचर ऑन रहता है। तो फ्रेंड्स, अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, ये आ रही है डिजिटेक के वायरलेस माइक्रोफोन पे, और मेरी बाइक भी लगभग 40 की रफ्तार पे है, जो कि इस प्रकार की साउंड आउटपुट मिल जाएगी। इसने एयर वगैरह की नॉइस काफी अच्छी तरह से रिडक्शन किया है, कि एयर की नॉइस इसने काफी रिडक्ट की है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है मुझे तो एयर की वॉइस इसमें। यदि आपको मोटरसाइकिल पे व्लॉगिंग करने का शौक है, तो आप यूज कर सकते हो डिजिटेक के वायरलेस माइक्रोफोन का, इसमें आपको अच्छी नॉइस रिडक्शन फीचर मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, ये सुन रहे हो ग्रीन आरो के P12 माइक्रोफोन से, और इस टाइम हम अपनी मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, और मोटरसाइकिल की स्पीड की बात की जाए तो लगभग 40 की रफ्तार से मोटरसाइकिल चल रही है। कुछ इस तरह की वॉइस आपको मिल जाएगी यदि आपको मोटरसाइकिल पे व्लॉग्स बनाने का शौक है तो।
फ्रेंड्स अब बात करते हैं इन दोनों माइक्रोफोन में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। हमने इनकी इंडोर और आउटडोर दोनों जगह टेस्टिंग की। हाँ फ्रेंड्स एक काम तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा माइक्रोफोन खरीदना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडोर शूटिंग करते हो तो आपके लिए ग्रीन आरो अच्छा रहेगा, उसमें वॉइस थोड़ी बेस है और क्रिस्प वॉइस है। और वहीं बात करें ग्रीन आरो में नेगेटिव पॉइंट ये मुझे लगा कि जब हम इसे ब्लूटूथ कनेक्शन द्वारा कनेक्ट करते हैं स्मार्टफोन से तो ये काम ही नहीं करता, वॉइस रिकॉर्ड नहीं करता, स्मार्टफोन ही वॉइस रिकॉर्ड करता है। और हाँ OTG कनेक्शन से ये अच्छा काम करता है जब हम OTG से कनेक्ट करते हैं। ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन में क्या होता है कि उनमें बाय डिफॉल्ट OTG ऑन नहीं होती है, आप सेटिंग में जाकर OTG ऑन कर सकते हो यदि आपके OTG काम नहीं कर रही है। तो बात करें डिजिटेक माइक्रोफोन की तो उसका नॉइस कैंसलेशन फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, उससे आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह शूट कर सकते हो। हाँ बस थोड़ी सी ट्रिबल वॉइस लगी मुझे, मैंने कोई ऑडियो एडिटर यूज़ नहीं किया है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, जो जैसे इन माइक से मेरी आवाज़ आई वही रखी। हाँ आप ऑडियो एनहेंस करने के लिए कुछ साइट यूज कर सकते हो जिससे आप बिल्कुल फ्री में अपनी वॉइस को बेस और क्रिस्प क्लियर बना सकते हो, जैसे audioenhancer.ai, adobepodcast.ai, इनसे आप अपनी वॉइस को और अच्छा बना सकते हो। अब मैं कहना चाहूँगा यदि आप सिर्फ इंडोर ही वीडियो शूट करते हो तो आपके लिए ग्रीन आरो बेटर ऑप्शन रहेगा, यदि आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह शूट करते हो तो आपके लिए डिजिटेक बढ़िया ऑप्शन होने वाला है, यदि आप मोटरसाइकिल व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो। फ्रेंड्स मैं तो इन दोनों माइक्रोफोन में से आपके लिए डिजिटेक ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि उसका नॉइस कैंसलेशन फीचर भी काफ़ी अच्छा लगा। और आप बताइए मुझे ये वीडियो कैसी लगी, हाँ कोई नेग पॉइंट रह गया हो तो उसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो जिससे मैं क्लियर कर सकूं। और आप मुझे नेक्स्ट वीडियो बताइए किस माइक पे आप वीडियो चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। थैंक यू गाइज, आई होप आई क्लियर योर ऑल डाउट्स।